अच्छा, अत्र के चिद्वेदिकरणे कल्पयंती। कुछ लोग यहाँ पर 11 सूत्रों को विभाजन करता हुआ दो अधिकरणों में कल्पना करते हैं, इसी एक अधिकरण को अलग अलग प्रयोजन को मन में रखते हुए उस पर भाष्यकार विचार अभिव्यक्त करते हैं। प्रथम दौर पहले वो क्या चाहते बता रहे, किन प्रत्यस्तमित अशेष प्रपंचम एकाकारम ब्रह्म उत प्रपंचवद अनेकाकार उपेतमिति। वह पहला अधिकरण का विषय को इस तरह से मानते हैं, क्या यह ब्रह्म प्रत्यस्तमित अशेष प्रपंचम निर्गुण निराकार निष्क्रिय विशुद्ध सर्व प्रपंच रहित एक आकार वाला ब्रह्म है, सच्चिदानंद रूप वाला, अथवा प्रपंच वाला होते हुए अनेकों आकार को धारण कर सगुण ब्रह्म मानना चाहिए। पहला अधिकरण को इस तरह से लेते हैं इस विकल्प का जवाब देने के लिए। द्वितीय दो और दूसरे अधिकरण उन्होंने इस प्रश्न का जवाब के लिए उठाया है, स्थिते प्रत्यस्तमित प्रपंचत्वे किम सत लक्षणम ब्रह्म उत बोध लक्षणम उत उभय लक्षणम इति। निर्गुण निराकार है, निर्गुण निराकार होते हुए क्या सदरूप है वो, ये ज्ञान रूप है, चित रूप है वो, अथवा सच्चित उभय रूप है वो, इस प्रकार विकल्प उठाते हैं। इस प्रश्न के जवाब के लिए उन्होंने अलग एक अधिकरण मान लिया प्रकाश इत्यादि से। 11, 12, 13, 14 इन चार सूत्रों को वो लेते हैं तला अधिकरण में, और जो है 15 से लेकर 21 तक का जो 7 सूत्र है इनको वो लोग दूसरे अधिकरण का विषय बनाया। स्वयं कह रहे हैं, भाष्यकार कह रहे हैं, यदि तावत अनेक लिंगत्वम परस्य ब्रह्मणो निराकर्तव्यम इति अयम प्रत्यासः तत्पूर्वेणैव नस्थानतोपीति अनेन अधिकरणे निराकृतमिति उत्तरम अधिकरणम प्रकाशवच्चैति इति एतद् व्यर्थमेव भवे। कहते को यदि अनेक लिंगत्व को उस परब्रह्म परमात्मा के अंदर मान रहे हैं जो पूर्व पक्षी, उसका निराकरण करने के लिए ही केवल अधिकरण एक कल्पना करने लगोगे कि अयम प्रयास, फिर जो पहला अधिकरण उसने जो माना दूसरा अधिकरण की अपेक्षा से जो उसकी अपनी पहली जो हम लोग तो पूरा एक ही है, तो उसके हिसाब से जो पहला था उसको पूर्वाधिकरण कहेंगे। न स्थान तो पे इति पूर्वे नहीं वा, अर्थात जो उसकी अपनी ही दो में से पहले के द्वारा ब्रह्म सूत्र 3, 2, 11 के द्वारा इतनी अधिकरण है ना जो है निराकृतम, उसी अधिकरण का निराकरण कर चुके हैं, फिर दो दूसरा अधिकरण करने की शुरुआत करने की क्या जरूरत है, दूसरे अधिकरण को शुरू करने की क्या जरूरत है, ये पूछ रहे हैं। न स्थान पे परस्य उभयलिंगम सर्वत्र ही, ये पहला सूत्र था हम लोगों के उभयलिंगाधिकरण का, वो भी उसको उभयलिंगाधिकरण के रूप में ले रहा है, सगुण मानना है निराकार निर्गुण मानना, उस तरह से पहला अधिकरण में जो, लेकिन जो अधिकरण की सीमा बांध दिया उसने, हम लोग जो 11 तक जा रहे हैं वो पहले 4 में उस अधिकरण को मान लिया, इसलिए जो अधिकरण का विषय है उसका अपना पहला अधिकरण का विषय है और हम लोगों के इसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन आगे जो उसने उठाया वो सत्य है या चित्त है या उभय है करके ये बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्यों, इतने अधिकरण निराकृतम इति उत्तरम अधिकरणम प्रकाशवच्च इत्येतद् व्यर्थमेव स्यात्, व्यर्थ ही हो जाए, व्यर्थमेव भवेत्, व्यर्थ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि न च सत लक्षणम एव ब्रह्म न बोध लक्षण शक्यम वक्तुम, ऐसा कहीं भी नहीं है कि सत लक्षण वाला ब्रह्म है और छिद्रूप नहीं है, है ये नहीं कह सकते आप, उभय रूप ये भी नहीं कह सकते, वो अधिकरण का विषय ही उस गड़बड़ है। हमारे मत में जो सत्य वही चित्त है, जो चित्त वही आनंद रूप है, वो दो रूप वाला तीन रूप वाला नहीं है, सच्चिदानंद तीन स्वरूप वाला ब्रह्म है, ऐसा नहीं कभी नहीं सोचना, जो सत है उसी में आया हुआ है, जो सद्रूपेणा जो सभी में अस्तित्व ने जो अनुभव हो रहा है उसकी व्यभिचार निवारण करने के लिए चित्त कह दिया, चित्त ने जो व्यभिचार निवारण करने आनंद कह दिया है, परस्पर केवल इतर व्यावर्तकत्व नहीं शब्दावली है वहां पर, अतएव वो तीन अलग अलग लक्षण नहीं है, वो जो कहता है सद्रूपा अथवा ज्ञान रूपा अथवा उभय रूपा, तीनों ही बात उसका गलत है, इसलिए वो अधिकरण ही नहीं बना सिद्धांत के, मुख्य सिद्धांत के अनुसार इसको समझा रहे, क्योंकि सत लक्षण ही ब्रह्म है,
ज्ञान लक्षण नहीं है, बोध लक्षण ज्ञान लक्षणम नहीं है, इस प्रकार से कथन करना तो बिल्कुल संभव नहीं, न शक्यम वक्तुम। क्यों? ज्ञान घन एव करके श्रुतियां इत्या श्रुति वही अर्थ प्रसंग है। अरे ज्ञान रूप तो मान ही पड़ेगा, फिर कहेगा ठीक है फिर ज्ञान लक्षण में हुआ न सद लक्षण में है दो, तब भी नहीं हो सकता। कथम वा निरस्त चेतन ब्रह्म चेतन जो सात्वत उपदिशेत, यदि वह ज्ञान रूपा है तो मानना इसलिए पड़ेगा आपको कि ज्ञान रूपता मगर चैतन्यता, ज्ञान मैंने चैतन्यम चित्त, उस ज्ञान रूपता यदि ब्रह्म न हो तो जीवात्मा का भी आत्मा कैसे बन जाएगा, जीव का भी आत्मत्व कैसे कथन हुआ। जीव तो चेतन रूप सभी का अनुभव है, जीव क्या है चेतनत्व न सभी का अनुभव है, और उस चेतन जीव का भी मुख्य मूल स्वरूप आत्म रूप है, उसका भी आत्मा उसका भी जो स्वरूप है वो ब्रह्म, ऐसे कैसे कहेंगे? कहीं जड़ जो है चेतन का स्वरूप होगा क्या? चैतन्य रहित यदि सत्रूप केवल मानोगे और ज्ञान रूप नहीं मानोगे, इसका मतलब क्या? ब्रह्म जड़ात्मक हो गया, नहीं आए कार्यों के जैसे आत्मा है ना जड़ात्मक आत्मा वैसे हो जाएगा। क्या उस जड़ात्मक आत्मा को जीव का स्वरूप मानोगे, जिसको सर्व व्यवहार में सकल लोक में सभी के द्वारा चेतन करके स्वीकृत है, क्या वैसे चेतन जीवात्मा का स्वरूप जड़ हो सकता है? खत्म अपिन, इसे कहते हैं खत्म वा उपदिशिये, तो ऐसा कैसे उपदेश दे सकती है श्रुति? निरस्त चैतन्यम ब्रह्म अर्थात चेतनता से रहित ज्ञान से रहित जड़भूता जो ब्रह्म है वो चेतन से जीव से चेतन जीव का आत्मत्व खत्म उपदिशिये, तो कैसे उपदेश दे सकता है, यह संभव है? और कहा ठीक है महाराज फिर हम ज्ञान रूपा ही मान लेते हैं उसको, ना भी बोध लक्षण में हो ब्रह्म न सत लक्षण में शक्य वक्त, बोध लक्षण ही ब्रह्म है सत लक्षण ब्रह्म नहीं है, ये भी तुम नहीं कह सकते। क्यों? अस्तित्व उपलब्ध है, भाव ये अवकार के द्वारा बोल रहे इत्यादि श्रुति व्यर्थ प्रसंगा कथम वा निरस्त सत्ता को बोध हो अभिगम्यत, कि सबसे बड़ी बात यह है सत्ता रहित ज्ञान का बोध भी कैसे हो सकेगा, जो असत ज्ञान है उसका बोध होगा कभी? जो भी आपको ज्ञान होता है चाहे वृत्ति ज्ञान ही हो रहा है क्यों ना हो, वो भी सत्ता विशिष्ट ही है, सत्ता युक्त ही अनुभव में आता है, अस्तित्व से युक्त होकर अनुभव होता है, अस्तित्व रहित केवल ज्ञान का अनुभव कोई नहीं कर सकता। अतएव जो है कि ये भी बात बनेगी नहीं तुम्हारी, निरस्त सत्ता वाला जो ज्ञान है वो कैसे कोई अनुभव कर सकेगा? चलो फिर उभय लक्षण मान लेते हैं, नापि उभय लक्षण में ब्रह्म इति शक्यं वक्तुम, उभय लक्षण वाला ब्रह्म है ये भी आप नहीं कह सकते। क्यों? पूर्वाभिगम विरोध प्रसंगात, पूर्व में जो तुमने स्वीकार किया है उसके साथ विरोध हो जाएगा। क्या है? सत्ता व्यावृत्तेन च बोधेन बोध व्यावृत्तया च सत्तया उपेतम ब्रह्म प्रतिजानानस्य, क्योंकि आपने सत्ता से रहित ज्ञान रूपा मानते हो या ज्ञान रहित सत्ता रूपा मानने वाले पक्षों को ही आप लेके चलने वाले, और उभय रूपा मानोगे तो वह स्व प्रतिज्ञा हानि, प्रतिज्ञा हानि रूपे बहुत बड़ा दोष है शास्त्रार्थ में, प्रतिज्ञा का त्याग किया मैं इसको इस आधार पर शास्त्रार्थ करूंगा और वो आधार को छोड़ दिया, यही ज्यादातर होता है शास्त्रार्थ में। लोग आते हैं ऐसे भी यहां से चर्चा करने के लिए और ऐसा उठपटांग कहां से कहां चले जाएंगे, पहले उनको बांधना पड़ता है, इसको समय बंद कहते हैं। कोई भी शास्त्रार्थ होता है उसमें समय समय बंद करके होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट कर लिया कि हम इस आधार पर चलेंगे, बातचीत होगी हमारी, बातचीत को आधार तो चाहिए, और उसे तय हो जाता है कि वो किन आधार पर वो बात करेगा और हम किस आधार पर चलेंगे। ऐसे मध्वाचार्य संप्रदाय वाले ना वो बहुत बार अद्वैत को खंडन करने में लगे रहते, कईयों को बेचारों को परेशान कर दिया। ऐसे बात उठी अब काशिकानी जी से भी बात हुई, बहुत वो अपने तत्ववाद पुस्तक छापते हैं, तत्ववाद वैसे बड़ा वृद्ध वृद्ध उल्टा सीधा छापते थे, फिर उसके लिए लोगों ने विरोध किया, भाई तय फिर शास्त्रार्थ करो, उन्होंने ललकारा। अब यहां से साधुओं की तरफ से काशिकानी जी को तैयार किया गया, उधर से उनके यहां से भी महात्मा आए, हजमार मठ के स्वामी जी वगैरह बड़े जो उद्भट विद्वान उनके टॉप के थे वो लोग आ गए। अब दोनों बैठे तो सबसे पहले ने यही शर्त रखा, देखिए आप अपने द्वैत मत और उसमें मध्वाचार्य का जो भाष्य है
उसकी एक भी पंक्ति से हट के नहीं बोलेंगे। कहीं रामानुज को लाओगे, कभी निम्बार्क को लाओगे, कभी किसको लाओगे, धंधाबाजी नहीं चलेगा। और हम भी अपने शंकर भाष्य का एक पंक्ति छोड़ के दूर नहीं जाऊंगा, कोई भेदाभेद लाऊंगा, अचिंत्य भेदाभेद लाऊंगा, कोई और लाऊंगा, ऐसे नहीं करूंगा। तुम अपने मातृभाष्य पर टिके रहो, हम अपने शंकर भाष्य पर टिकेंगे। एक भी बात इधर से उधर करोगे तो हम पकड़ लेंगे, फिर परास्त हो जाओगे। अब वही हो समझ गए, अब तो हो गए फिर पक्का, अब तो फेल होना पक्का है। फिर हुआ शास्त्रार्थ, तो हार गए, फिर भी अपनी बाजी नहीं छोड़े। उसे लेकिन लिखा पड़ी थी हार स्वीकार करने से, लिखा था आज से आगे जो हम ऐसा अनावश्यक जो है अद्वैत वेदांत के खिलाफ हम कभी कुछ अपने किसी भी प्रवचनों में या अपने मैगजीन वगैरह जो भी अपने हैं पुस्तक लेख में नहीं प्रकट करेंगे। और फिर उस पर कोर्ट में गए लोग, जब फिर भी छात्र आता हो कह कि बस बंद करो, जब तुमने लिख के दिया है शास्त्रार्थ में हार करके कि हम नहीं करेंगे, फिर क्यों कर रहे? फिर हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगाया उस पर, यदि ऐसे छापेंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तब से ठंडे पड़े हैं आज तक। तो ऐसे होते हैं कि भाई सिद्धांत को छोड़ के नहीं चलना, प्रतिज्ञा हानि बहुत बड़ा दोष है शास्त्र। अपनी जो प्रतिज्ञा आपने कर दी, या तो हम सद्रूप मानेंगे या चित्रूप मानेंगे, बोल चुके हो, और आप करेंगे उभय रूप मानूंगा, स्व प्रतिज्ञा के विरुद्ध चल रहे हो आप, ये उचित नहीं है। तदेव पूर्वाधिकरण प्रतिषिद्धम सपंच ब्रह्मण प्रसज्जेता, क्योंकि साथ ही आपने जब ये बात स्वीकार कर लिया था, ऐसे प्रतिज्ञा जो करने वाले को पूर्वाधिकरण में क्या है जो प्रतिषिद्ध है वही सप्रपंच ब्रह्म में प्रसक्त हो जाएगा। पूर्वाधिकरण प्रतिषिद्धम सप्रपंचत्म ब्रह्मण प्रसज्जेता, यदि उभय रूपा मान लोगे ना, वो प्रपंच वाला हो गया ना ब्रह्म, दो रूप वाला हो गया अद्वैत कहां रह गया? यदि उभयात्मक ब्रह्म मान लोगे अद्वैत तो रहा नहीं, द्वैत हो गया, वो सद्रूप भी है और चिद्रूप भी है, दो रूप वाला हो गया, मैंने सब प्रपंच हो गया, सगुण हो गया। तो निर्गुणता जो पूर्वाधिकरण सिद्ध किए थे उसका विरुद्ध हुआ कि नहीं हुआ उत्तराधिकरण में? श्रुतत्व अदोषित चेत, पूर्व पहले हमने बोल दिया वो अधिकरण वहां जैसा शंका था उसका जवाब दे दिया, लेकिन अब श्रुति के आधार पर हम ये भी बात कर रहे हैं, सगुण भी है वो मान लो, निर्गुण भी है वो सगुण भी। चेत न एकस्य अनेक स्वभाव प्रवृत्त है, पहले जवाब जैसे जो है एक वस्तु का अनेक स्वभाव नहीं हो सकता। अतः सत्तैव बोधो बोधैव च सत्ता, इसलिए सत्ता ही बोध है, बोध ही सत्ता है, वो दो वस्तु नहीं है, दो पृथक रूप नहीं है। ये सत्ता और चित्त में कोई वैलक्षणता वास्तविक भेद नाम का वस्तु बीच में नहीं है, दोनों का एक स्वरूप है, एक लक्षण है। शब्द अलग अलग प्रयोग किया जा रहा है लोकानुसार, लोक में जो व्यवहार हो रहा है उसके आधार पर जो है सत्ता को घटोस्ती पड़ोस्ती पटोस्ती घट ज्ञान पट ज्ञान मट ज्ञान अस्थि और ज्ञान अनुसूत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? घट अस्थि पट अस्थि मट अस्थि में क्या अस्थि अस्थि अनुसूत हो गया, घट ज्ञान पट ज्ञान मट ज्ञान बनने से स्वयं में आनंद का अनुभव है, घटानंद पटानंद मठानंद बोल दिया, स्वयं में आनंद अनुसूत हो रहा है, इसके आधार पर मानना पड़ेगा। आपके अपनी ही व्यावहारिक शब्दावली के आधार पर उस ब्रह्म के स्वरूप को समझाते वक्त हमने सत चित और आनंद तीन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसका तात्पर्य वह तीन भिन्न भिन्न धर्मों वाला वस्तु नहीं है। तथा सत लक्षण ब्रह्म उत अथा सत्यव बोध बोधेव च सत्ता नाने परस्पर विकल्प निरालंब एव स्यात्, और इनका कोई परस्पर विकल्प जो है ही नहीं। नानयो परस्पर व्यावृत्ति रस्ती इति यदि उच्चेत तथापि किम सत लक्षणं ब्रह्म उत बोध लक्षणं उत उभय लक्षणं इति अयम विकल्प निरालंबनेव स्यात्। यदि कहते हो हम भी यही बोलना चाह रहे, उन में कोई परस्पर भेद नहीं, अनयो परस्पर व्यावृत्ति नास्ति इति यदि उच्चेत, यदि ऐसे तुम कहोगे फिर तो तुमने पहले क्यों लक्षण विकल्प उठाया, सत लक्षण है या चित लक्षण है या उभय लक्षण, उभय शब्द कैसे प्रयोग कर दिया, एक लक्षण वा ऐसा बोलना चाहिए, सद लक्षण है या चित लक्षण है या एक लक्षण है, ये क्यों नहीं बोला तुमने, उभय शब्द क्यों प्रयोग किया फिर विकल्प उठाते वक्त? वहीं आप गलत कर गए, वही कह रहे हैं
कि यदि नानेव परस्पर व्यावृत स्थिति यदि उच्चते यदि तुम पूर्व पक्ष ऐसा कहने लगोगे, हम पूछते हैं फिर तथापि किम सत्लक्षण ब्रह्म उत बोध लक्षण उत उभय लक्षण इति अयम विकल्प निरालंबन एवस्यात। इस विकल्प का कोई विषय नहीं रह जाएगा, निरर्थक विकल्प हो जाएगा। सूत्राणि तो एकाधिकरणत्वेन एव अस्माभिर्नीतानि, और सूत्रों को हमने एकाधिकरण रूपेण स्वयं नयन कर दिखा चुका हूं। अपिच इतना ही नहीं, ब्रह्म विषयासु श्रुतिषु आकारवत अनाकारवत प्रतिपादनेन विप्रतिपन्नासु अनाकारे ब्रह्मणि परिगृहीते अवश्यम वक्तव्या इतरासां श्रुतिनां गतिः। और दूसरी बात, ब्रह्म विषय श्रुतियों में दो प्रकार की श्रुतियां देख रहे हैं, एक तो आकारवद माने सगुण श्रुतियां और एक है अनाकार प्रतिपादन करने वाले श्रुति अर्थात निर्गुण को प्रतिपादन करने वाले श्रुतियां हैं। इनका परस्पर विरोध के कारण से विप्रतिपत्ति होने लग जाए, विप्रतिपन्ना सारी श्रुतियां इसलिए परस्पर वृद्ध बोध करने वाली हो गई है, तो अनाकार ब्रह्मणि परिगृहीते। और आपने अपने पहलाधिकरण में क्या किया, उस सारे वाक्यों को अनाकार ब्रह्म में घटा दिए। घटाने के बाद अवश्य वक्त वितरासन श्रुतंग गति, आपको करता आपका कर्तव्य बनता है, फिर अन्य श्रुतियों का क्या गति है। हमने तो घटा दिया, तो उपासना पर रखे, हमने तो उनको उपासना के प्रकाश बच्चे इत्यादि व्यर्थता नहीं है, वो सब सार्थक उपासना के लेकर के हमने तो एक ही अधिकरण के अंतर्गत उसको लेकर के दिखा दिया। इन तुम क्या करोगे बताओ, आप क्या गति बताएंगे उसकी। जब एक अधिकरण में आपने चार सूत्र को लेकर अधिकरण बना लिया और उसमें आपने सारे वाक्यों को निर्गुण पर घटा दिए, और वो जो वाक्य फिर सगुण वाक्य जो विरुद्ध में खड़े थे उनकी क्या गति दिखाओगे। तादर्थेन प्रकाशवच्च इत्यादि सूत्राणि अर्थवत्राणि संपद्यन्ते। हमारे मत में क्या है, उपासना रूपी फल को लेकर के वे सब अंत में क्या है, तादर्थेन माने अद्वैत बोध करने के लिए रूपी प्रयोजन के लिए ही उनका प्रयोग होगा, ऐसा कह करके हमने प्रकाश विचित सूत्रों का अर्थवत मैंने सब प्रयोजन सूत्रों को सिद्ध कर दिया है। यद्यपि आहुः आकारवादिन्योपि श्रुतयः प्रपंच प्रबल मुखेन अनाकार प्रतिपत्त्यर्थैव न प्रतिकर्ता इति। तब पूर्व पक्ष कहता है नहीं नहीं, आप जो बोल रहे गलत बोल रहे बोलता है। वो कहता है ये जो आकारवादिनी श्रुतियां हैं वो प्रपंच विलय के माध्यम से है क्या कर रहे हैं, मुखेना अनाकार प्रतिपत्तिर्था अनाकार का निर्गुण का ही प्रतिपादन करने के लिए, उपासना के लिए नहीं मान रहा, वो उपासना के लिए नहीं मानता। वो कहता है प्रपंच का विलय मुख के कथन के माध्यम से वे सारे के सारे अनाकार प्रतिपत्ति के लिए ही होंगे, इसे उनका कोई पृथक प्रयोजन नहीं। हमारे यहां तो पृथक प्रयोजन है उपासनाओं का, लेकिन उसके यहां कोई पृथक प्रयोजन नहीं मानता, न पृथक अर्था इति। ऐसा वो व्यवस्था देना जो चाह रहा है तदपि न समीचीनम इव लक्षते, वो भी हमें लग रहा है कि वो ठीक ठीक को नहीं बता रहा है, वो ठीक लक्षित नहीं हो रहा है। क्यों पूर्व पक्ष क्यों हमारी बात ऐसे काटते हो, कथन कदे देखो ये ही परविद्याधिकारी के चित प्रपंचा उच्चंत है। प्रपंच के वाच्य वाक्य जितने भी हैं चाहे निगुण ब्रह्म प्रकरण में हो चाहे सुवर्ण ब्रह्म प्रकरण में हो, उसकी व्यवस्था दिखाएंगे भाष्यकार। जितने निर्गुण ब्रह्म प्रकरण में आए हुए प्रपंच संबंधी वाक्य हैं, सृष्टि के वाक्य हैं, वो कौन से, यथा युक्ता यस्य हरय शतादश इत्ययम वही हरयो अयम वही दश च सहस्राणी बहुनी च अनंतानी च इत्ययम आदय ते भवंदी प्रबलयार्थ। उनको हम प्रबलयार्थ जरूर मानेंगे। निर्गुण ब्रह्म में आया हुआ सगुण वाक्य होते हैं, निर्गुण ब्रह्म के प्रकरण में बीच में घुसाया हुआ जो सगुण वाक्य होते हैं वो निर्गुण को समझाने के लिए ये बात तो हमें कोई विरोध नहीं, इसको तो हम स्वीकार करते हैं। ने कहा था वो क्यों क्यों स्वीकार कर रहे हो इस बात को, इसीलिए कि वहां पर जो उपसंहार है वो क्या है, तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतम अबाह्यम इति उपसंहारात्। ऐसे उपसंहार किया, इसलिए हमें कहना पड़ता है पूर्वोत्तर जब उपक्रम और उपसंहार दोनों के दोनों अद्वैत है, इस बीच में आया हुआ जितने भी द्वैत परक वाक्य होंगे प्रपंच परक में द्वैत परक वाक्य होंगे वो सब अद्वैत को ही समझाने के लिए प्रपंच का प्रविलय के लिए ही है ये माननी चाहिए। ये पुनर्पासना विधानाधिकार है,
प्रपंचाह उच्चन्ते। और जो उपासना के अधिकार में अर्थात सगुण ब्रह्माधिकार में ही जहां प्रपंच संबंधी वाक्य आए हुए हैं, यथा जैसे मनोमय प्राण शरीर भारूप, देखो मनोमय वो आत्मा है बोलते, मन रूपी उपाधि वाला है, प्राण रूपी शरीर वाला है वो ब्रह्म, और भारूप है वो ब्रह्म, इत्यादि जो कह रहे हैं ये सब सब प्रपंच है ना, सगुण ब्रह्म के कथन हो रहा है, मन विशिष्ट ब्रह्म है वो, प्राण विशिष्ट ब्रह्म है वो, ये जितने भी ये सब हैं, कहते इत्यम आदि हो न तेषाम प्रविलयार्थतम न्यायम, उनकी प्रविलयार्थता मानना, प्रपंच विलय पूर्वक अद्वैत का बोध करने के लिए मानना उचित नहीं, उनका अपना फल है, वो फल उसको मिलेगा उपासक को। सकृतं कुर्वीद इत्यं जाति के न उसी छात्र ना 3:14:2 और 3:14:1 में उपक्रम क्या है, कृतं कुर्वीद बोला है, इत्यवन जाति न प्रकृति न इव उपासना विधिना, उपासना विधिना केशान संबंध, प्रकृति जो उपासना विधियां हैं उन विधियों के साथ उनका संबंध होने से उनका एक स्वतंत्र फल मानना पड़ेगा। ऐसा कर्मकांड में, कर्मकांड का प्रत्येक विधि का अपना फल है या नहीं, तथा उपासना कांडस्थ मंत्रों को भी उनका अपना स्वतंत्र फल मानना पड़ेगा, भले ही क्रमशः जो अंतकरण शुद्धि आदि के द्वारा वो भी ब्रह्म ज्ञान में उपयोगी हो जाते हैं। यदि निष्काम भाव से कर्म करता है जैसा, निष्काम भाव से उपासना भी करेगा, वो शीघ्र मोक्ष प्रदायक बन जाएगी, लेकिन जो साक्षात वो जो है अद्वैत का बोधक है, बोधक ही मान रहे ना, तो अद्वैत का ही बोध करने के लिए वो गलत है। श्रुत्या चेवन जातीय का नाम गुणा नाम उपासनार्थत्व अवकल्प्य माने न लक्षण या प्रवलियार्थोत्तम अवकल्पत है, और श्रुति के द्वारा इस प्रकार की जो जितनी भी श्रुतियां हैं वे गुणों का जो कथन कर रही हैं वो उपासना के लिए ही है, ऐसा मान लेने पर वह लक्षणापूर्वक जबरदस्ती उनको प्रपंच प्रवलियार्थ ले जाओ और तद द्वारा मोक्षार्थ कहो, यह बात उचित नहीं है। सर्वेशांच साधारणे प्रवलियार्थत्व सती अर्पवद्देव ही तत्प्रधानत्वात् इति विनिगमन कारण वचनम अनवकाशम स्यात्। यदि सबको सर्वसाधारण रूपेण प्रपंच प्रवलय करने के लिए सारा वेद सीधे एक मुख्य पक्ष ले लोगे, पूरा का पूरा केवल प्रपंच प्रवलय पूर्वक अद्वैत बोध कराने के लिए है ऐसे कहने लगोगे, फिर आगे का सूत्र का तुम क्या जवाब दोगे, जो पहले है अरूपवदेव ही तत् प्रधानत्वात् जो आपने पढ़ा उसका क्या गति होगा। इति विनिगमन कारण वचनम, ये जो विनिगमना का जो कारण आपने दिया था, एक तरह मुख्य पक्ष बनाया आपने, निर्गुण वाक्यों को मुख्य पक्ष बनाने के लिए सगुण वाक्य पक्ष को गौण करने के लिए जो सूत्र प्रयोग करते हो वो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सगुणों का अपने कोई अलग है ही नहीं, वो इसी के लिए ही हैं, तो गौण प्रधान मनन की जरूरत क्या है, वहां पर सभी के सर्वसाधारण रूपेण अद्वैत का ही जब बोधक हो गए, वहां एक तरह पक्षपात युक्ति का जो प्रयोग करने के लिए आपने सूत्र आरंभ किया वो व्यर्थ हो जाएगा। फलम अभी ऐसा यथोपदेश क्वचित दुरी तक्षय क्वचित ऐश्वर्य प्राप्ति ही क्वचित क्रम मुक्ति इति अवगम्यत एव, और इनका फल भी अलग अलग बताया गया है, कहीं पर तो बता दिया पाप क्षय हो जाएगा, और कहीं बोल रहे हैं हिरण गर्भ आदि पदों को प्राप्त करेगा ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, कहीं कहते नहीं ये इसको करोगा और तो क्रम मुक्ति मिलेगी उसको, अतएव अवगम्यते एव इति अतः पार्थगर्थमेव उपासना वाक्यानां ब्रह्म वाक्यानां च न्यायम् नैक वाक्यत्वम्, इसलिए उपासना परक वाक्यों का और ब्रह्म परक वाक्यों का, निर्गुण ब्रह्म के और सगुण ब्रह्म वाक्यों का दोनों की पृथक पृथक प्रयोजन को देखता हुआ उनको परस्पर एक वाक्यता कर देना उचित नहीं है। कथं चेषां एक वाक्यता उत्प्रेक्षत इति वक्तव्य, और यदि हम उनसे पूछना भी चाहेंगे, यदि आप इनकी एक वाक्य तक करना ही चाहते हैं आपकी परीक्षा जो कर रहे हैं तो किस प्रकार कर रहे हैं आप समझाइए हमको, यदि इन दोनों का परस्पर जो एक वाक्य तक करना ही चाहते हैं तो किस आधार पर कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य है व्यवहार में देखने को मिलता है दो वाक्यों के वाक्यिक वाक्यता करना है, उन दोनों वाक्यों के द्वारा नियोग जो होगा जो विधि होगा विधि संबंधित एक, एक वाक्य में आवे जो विधि है उस विधि संबंधी बात दूसरे वाक्य में भी यदि हो तब एक विधि का ही विषय होने के नाते उन दोनों वाक्यों को हम जोड़ सकते हैं,
जब एक विधि के शेषत्व परस्पर अन्वय होने योग्य नहीं है ऐसे वाक्य, जब प्रोजन के पृथक विधियां हैं, पृथक फल है, सारा पृथक है, उन वाक्यों का एक वाक्यता कभी नहीं कर सकते। यदि आप करना ही चाह रहे हैं तो आप हमें बताइए किस आधार पर कर रहे हो आप। एक नियोग प्रतीत है प्रयाज दशम ब्रह्मवास वाक्यबद्ध चेत न, पूर्व पक्षी कहता है एक नियोग का विषय बन रहा है यहाँ, एक विधि की प्रतीति हो रही है, जैसे दर्श पूर्णवास याग है उसके लिए प्रयाज याग होता है, जो प्रयाज याग को कहता है उसका अपना कोई स्वतंत्र फल नहीं 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 है, अफलम फलवत सन्निधो अफलम तदंगम, नियम है फलवान के वाक्य के सन्निधि में पटित, अफल वाले जितने भी वाक्य होते हैं वो उस फलवान के वाक्यस्थ बोधित कर्म कांड का अंग हो जाता है। तत्व ये कहता है फलवान वाक्य कौन है, निर्गुण ब्रह्म वाक्य जो मोक्ष को कथन करने वाला, और उसके समीप में पटी जितनी भी उपासना है ये सब एक उसी का अंग बना दिया, लेकिन फलवत सन्निधि तो अफलम का है, वहां पर इनका तो प्रत्येक फल है, वो भी उसके पास वो भी तर्क देगा, वो दो फल वाले भी होते ना, जैसे ददनेन्द्र काम से जुआत क्या था पर हो जाएगा, इसी प्रकार से वो जल के लिए प्रयोग को हुआ था सान्ना, जब सान्ना पात्र वगैरह का होता है ना, गो दोहन पात्र का दृष्टांत है, और गो के दोहन करने के लिए लाया था पात्र वो हो गया, उसके बाद दूसरे उसी पात्र दूसरे काम में, उसी तरह जल आने का काम भी हो जाएगा, अलग अलग प्रयोजन के लिए एक भी जिसके दोनों शब्दों का प्रयोग होता है तो वो क्या पर हो सकता है। तगेंगे चिन्ह ब्रह्म वाक्य शो नियोगा बाबा, सबसे पहली बात है ब्रह्म वाक्य नियोग होता ही नहीं, तो कैसे तुम एक नियोग तो घटाओगे, एक नियोग विषय तो आ ही नहीं सकता कि ब्रह्म वाक्य में कहीं नियोग ही नहीं है, क्यों कुछ करना नहीं ना, विधि नहीं है, करना जो कुछ भी है पिछ पहले पूरा, इसे कई तो माने ब्रह्म विद्या ब्रह्म साक्षात्कार होने पर ही ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति होती है, हाँ। ब्रह्म विद्या वास्तव में उत्पत्ति कब होगी अविद्या को नाश करने, जब साक्षात्कार हो जाए, उससे पहले जितना भी है आपके सब परोक्ष ब्रह्म विद्या है, अप्रोक्ष के लिए आवश्यक तो परोक्ष ब्रह्म विद्या आपने इकट्ठा किया वो पहले होती है, लेकिन परोक्ष ब्रह्म विद्या जो है अप्रोक्षानुभूति के बिना परोक्ष ब्रह्म विद्या अप्रोक्षता को प्राप्त नहीं कर सकती, और जब तक ब्रह्म विद्या अपरोक्ष नहीं होती है तब तक वह विद्या को नाश नहीं कर सकती। इसे विद्या जब प्राप्त किया जाता है वह परोक्ष ब्रह्म विद्या ही है, ये अपरोक्षता को तब प्राप्त होगी जब अपरोक्षानुभूति कर लोगे। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को हमने रटा दिया है ना, आ का अर्थ क्या है, आम, आम रटा दिया उसको, अब रट गया वो, अब उसको आम सामने भी रखो पहचानेगा नहीं, हो गया गेंदे सोचेगा कुछ और सोचेगा, आप उसको साक्षात्कार कराएंगे, ये देखो जो तुम रट रहे थे ना उस शब्द की अरे बुद्धि ये वस्तु है इसी का नाम आम है, जैसे उसने आम का साक्षात्कार कर लिया आम संबंधी जो अभी तक जो उसकी खोपड़ी में एक सामा विद्या बनी हुई थी वो भी साक्षात्कार हो, और जो आम्र सामने रखा हुआ पहले इस बोल कराने से पहले जो आम्र सामने रखा हुआ के ऊपर एक अविद्या थी आवरण था, यह आम है या नहीं मालूम नहीं था, वो कब भंग हुआ, पहले नहीं हुआ था ना साक्षात्कार का, पहले जो आम्र विद्या थी आपके पास वो आम्र विद्या ने सामने में बैठा हुआ आम्र के आवरणीभूत विद्या को भंग नहीं कर सका, लेकिन जैसे शक्ति बोध करा तो आम्र का साक्षात्कार हुआ, तुरंत ही उस आम्र विद्या अपरोक्षता को जब प्राप्त हो जाती है तो उस अवतादृश विद्या को भंग कर देती है, इसलिए हमने ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लिया है कुछ नहीं, ये तो आप अभी परोक्ष में ही है चल रहा है कहानी, इसे तस्मिन दृष्टि पर सारी इकट्ठे हो जाती है, इसलिए वहां का तस्मिन दृष्टि पर अंत में क्यों कह रहे हैं, वो सब इकट्ठा हो जाएगा अपने आप, सारा संशय खत्म, सारे कर्म खत्म, सारे के सारे ग्रंथि भेदन सब इकट्ठे हो जाएगा, उसे फिर समय नहीं लगता है ज्यादा, उससे पहले ही मेहनत है, अविद्या काल में सारा मेहनत है, अज्ञान काल में सब कुछ करना धरना मेहनत होता है, उसके बाद करना तो है ही नहीं, इसे ब्रह्म विद्या में करना कुछ नहीं है, आप
परोक्ष ब्रह्म विद्या के लिए करना है, तद विधि प्रणिपादन परिप्रष्ट सेवा सब है ना, परोक्ष ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए। श्रद्धावान लब्ध ज्ञान तत्पर संहितेन्द्रिया, ये सारी चीजें तो पूर्ववर्ती का ही है, अंतरंग बहिरंग साधन जितने बताएंगे। इसलिए कहते हैं यहां देखो कि यहां तो नियोग ही नहीं हो सकता है, हाँ, ब्रह्मवाक्येषो नियोग भावात् वस्तु मात्र पर्यवसायिनी ही ब्रह्मवाक्यानी न नियोगोपदेशिनी इति एतद् विस्तरेण प्रतिष्ठापितम्। इस बात को तत्व समन्वय सूत्र बड़ा शास्त्रार्थ कर्मकांडियों के साथ हम लोगों ने बताया, चार प्रकार के वस्तुओं में ही विधि हो सकती है, यदि वो उत्पाद्य हो या विकारी हो या प्राप्य हो या संस्कारी हो तो वह विधि का विषय हो सकता है, और ब्रह्म इन चारों में से एक कोटि में भी नहीं आता, अतएव जब विधि का विषय ही नहीं हो सकता है। ये बात विस्तार पूर्ण शास्त्रार्थ करके तत्व समन्वय सूत्र पहले ही समझा दिया है, अतएव ब्रह्म विषय जितने भी वाक्य ब्रह्म वस्तु मात्र को कथन करने वाले जो वाक्य होते हैं वह नियोगोपदेशिया न नियोगोपदेशिनी, वह नियोग उपदेश करने वाली नहीं है, ये बात विस्तार से समझा चुका हूं। किम विषयश्चत्र नियोग अभिप्रेत इति वक्तव्यम्, यदि नियोग मानते ही हो हमें बताओ उस नियोग का विषय क्या है। किम विषयश्चत्र नियोग अभिप्रेत इति वक्तव्यम्, पुरुषो ही निज्यमान कुरु इति स्वव्यापारे कस्मचित नियुज्यते, कि दुनिया में यही देखने को मिलता है, नियुज्यमान जो पुरुष है ना उसको कहते ये करो, जल लाओ, पानी लाओ, ये करो वो करो, कहना करो बोलना, कुरु कुरु कहे बिना विधि नहीं बना। तब तक प्रयुज्यमान पुरुष को प्रवृत्ति के लिए व्यवहार नहीं हो सकती है जब तक वहां कुरु आदेश न हो। इसलिए कहते हैं प्रयुज्यमानो नियुज्यमानो ही पुरुष कुरु इति स्वव्यापार कस्मिन चिंतते, कुरु ऐसे कहने पर ही वह अपना किसी न किसी व्यापार में नियुक्त हो पाता है। ननु द्वैत प्रपंच विलय नियोग विषय भविष्यति, हमें क्या ना द्वैत प्रपंचम विलयम कुरु ऐसे कहूंगा, द्वैत प्रपंच विलयम कुरु कहूंगा तो विधि तो बन गया ना। कहता है द्वैत प्रपंच का विलय ही हमारा नियोग का विषय बनेगा। अप्रविलापिति द्वैत प्रपंच है ब्रह्म तत्व बोधन न भवति, पूर्व पक्ष कहता है देखो जब तक आप द्वैत प्रपंच का प्रविलाप नहीं प्रविलय नहीं करोगे तब तक तो ब्रह्म तत्व बोध ही नहीं होगा। अतो ब्रह्म तत्व बोध प्रत्यनीक बोधो द्वैत प्रपंच प्रविलाप्य, इसलिए ब्रह्म तत्व बोध का विरोधी प्रतिबंधी भूत प्रतिबंधक जो है प्रत्यनीक मने प्रतिबंधक रूपा विरोधी सेना के समान बैठा हुआ है ये कौन द्वैत प्रपंच, उसका प्रविलाप करना ही चाहिए। यथा जैसे पूर्व पश्च दृष्टान दे रहे देखो स्वर्ग काम से यागो अनुष्ठातव्य उपदिशत, स्वर्ग काम के लिए उसका प्रतिबंधक जो है पाप आदियों को दबा करके पुण्य को प्रदान करने के लिए याग अनुष्ठान करना चाहिए। सब ब्रह्मावबोध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीच में जो बाधक बना हुआ है द्वैत प्रपंच उसका प्रवलय करना ही होगा। एवं अपवर्ग कामस्य प्रपंच प्रविलयः उपदिश्यते, ऐसा नहीं कर लेना। इसीलिए अपवर्ग मैंने मोक्ष कामना करने वाला जो पुरुष होता है उसके लिए क्या विधान कर दिया हमने, द्वैत प्रपंच का विलय का विधान कर दूंगा। यथाच एक और दृष्टांत दे रहा है तमसी, ये सब पूर्व पक्ष ननु से न यथाच तमसी व्यवस्थितम घटाद तत्वम अवभुत्समान तत्प्रतिनिकभूतम तम प्रविलाप्यते, जैसे अंधकार में पड़ा हुआ कोई घटादि है व्यवस्थित है घटादि, उस घटादि तत्वों को अत्यंत जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या करेगा, उस ज्ञान का विरोधी जो अंधकार है उस अंधकार को भंग करेगा। एवं ब्रह्म तत्वम अवभूत समान, इसे ब्रह्म तत्व जो है इसको जानने की इच्छा रखने वाले के द्वारा उसके ज्ञान का विरोधी भूता प्रपंच जो है ना उसको प्रविलापितव्य, तत्प्रतिनिक भूत प्रपंच प्रविलापितव्य। क्यों, ब्रह्म स्वभाव ही प्रपंचो न प्रपंच स्वभाव ब्रह्म, तेना नाम रूप प्रपंच विलापने न ब्रह्म तत्व बोध भवति, क्योंकि ब्रह्म स्वभाव वाला प्रपंच है सर्वम खलविदम ब्रह्म है कि नहीं, प्रपंच स्वभाव वाला ब्रह्म नहीं है, न प्रपंच स्वभाव ब्रह्म, क्योंकि एक हम बहुश्याम प्रजा करके ब्रह्म प्रपंच स्वभाव को प्राप्त हुआ है न कि प्रपंच स्वभाव वाला ब्रह्म हो गया, उल्टा क्रम नहीं है। अतः स्वयं नाम रूप पात्र जगत खड़ा करना यही प्रपंच है,
अतः ब्रह्म स्वभाव है ये प्रपंच में। इसे नाम रूपेति पंचकम में क्या हो रहा है, नाम रूप अलग कर दिया, अस्थि भाति प्रीति यही रूप ब्रह्मण त्रयम कह दिया। अरे प्रपंच का वास्तविक स्वरूप क्या था, ब्रह्म रूप ही है, अतः प्रपंच ब्रह्म स्वभाव वाला है। यदि अस्थि भाति प्रीति तीन चीज को निकाल दो जगत से, जगत में क्या बचेगा, नाम रूप टिकेगा। जो नाम रूप आप तो जगत का व्यवहार कर रहे हैं, ये सकल व्यवहार जो हो रहा है इसका आधार क्या है, अस्थि भाति प्रीति। ये तीन ना हो या तीन में से एक भी ना हो तो चौपट हो जाएगा काम, वो आपके लिए नहीं है, है ना। मान लो कोई है कहे हमारे पिताजी अभी भी है, जीवित है, इसे हमारे उनके बड़ा प्रेम हो रहा है, लेकिन क्या करे, उसे ज्ञान मिलेगा, वो तो मर गया है ना, है? भले अभी भी आप कहेंगे वो हैं, उनको मैं ये पितृ तर्पण करूंगा रोज, है, या पूर्णिमा से मैं करूंगा, वो अभी भी हैं, उनके स्मरण होते बड़ा आनंद होता है, लेकिन उनसे ज्ञान नहीं मिलता, उनसे पाठ पढ़ो कुछ जो समस्या हल का पूछो, नहीं हो सकता। क्यों, ज्ञान नहीं, अस्थि है प्रीति है भाति नहीं। कहीं भाती और प्रीति रहेगी तो अस्थि नहीं है तो भी फायदा नहीं, सफर में भान हो रहे हैं, हमेशा दिखाई दे रहा है चीज, भान तो हो रहा है ना, मनोराज्य में भान हो जाता है, बड़ा आनंद भी आता है, लेकिन क्या करो, अस्थि वाला है ना, व्यवहार का योग्य नहीं रह गया। ये तीनों का स्थिति ऐसी है, इन तीनों को छोड़िएगा तो नाम रूप जगत, नाम रूप तो जगत में किसी प्रकार का सम्यक व्यवहार नहीं हो सकता है। इसलिए ये प्रपंच क्या है, ब्रह्म स्वभाव वाला है। इन ब्रह्म जो है प्रपंच स्वभाव वाला नहीं, नाम रूपात्मक ब्रह्म नहीं है, नाम रूपात्मक ब्रह्म नहीं, ब्रह्मात्मक नाम रूप है, नाम रूपात्मक ब्रह्म नहीं होता। तेना नाम रूप प्रपंच का प्रविलापन है ना, नाम रूपात्मक प्रपंच के प्रविलापन के द्वारा ब्रह्म तत्व अवबोध होती, ब्रह्म तत्व का अवबोध होता है इति, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। अत्र वयम पृच्छाम, ये जो आपने नियोग का विषय बना दिया द्वैत प्रपंच और उसके द्वारा ज्ञान की ओर जा रहे हो, यथा अंधकार को भंग करके ज्ञान को प्राप्त करना, घटक ज्ञान को प्राप्त करना होता है उसी प्रकार, तो हम आपसे पूछते हैं कोयम प्रपंच विलय यो नाम, प्रपंच विलय का मतलब क्या, ये समझाओ। सर्प का विलय होना का मतलब क्या, ये समझाओ। जो रज्जु में दिखाई दे रहा था सर्प, उस सर्प का विलय होने का मतलब क्या है, क्या उसको तलवार से काट के टुकड़ा कर दिया, विलय कर दिया, नष्ट कर डाला उसको। इसलिए द्वैत प्रपंच प्रविलय बार बार बोलते प्रलापन कर डालो, इसका अर्थ समझाओ पहले। किम अग्नि प्रताप संपर्कात घृत काठिन्य प्रविलय इव प्रपंच प्रविलय कर्तव्य, जैसे अग्नि का जो ताप के कारण से घी जो पिघल जाता है, वैसे क्या यहां पर कोई ऐसा तुम भ्रमित्यारूपी ताप दे दोगे जिसे प्रपंच गल के खत्म हो जाए और ब्रह्म चमकने लग जाएगा क्या, अभी जो कहते प्रपंच कर्तव्य आहोस्वित एक चंद्र तिम्र कृत अनेक चंद्र प्रपंचवद अविद्याग्रदो ब्रह्मणि नाम प्रपंच विद्या प्रविलापितव्य, क्या कहना चाहते हो। आज एक चंद्र था तिमिर कृत दोष के कारण, तिमिरात्मक दोष कृत अनेक चंद्र जो भान हो रहा था, वह अधिष्ठान ज्ञान होने मात्र से द्विचंद्र का प्रलय हो जाता है। उसी प्रकार से अविद्या कृत ब्रह्मणी नाम रूप प्रपंच, ब्रह्म में अविद्या कृत नाम प्रपंच है ना, अविद्या कृत जैसा तिमिर कृत ना जो है द्विचंद्र था, अविद्याग्रत नाम प्रपंच है, उसको विद्या के द्वारा अविद्या के प्रलापन करने का नाम है द्वैत प्रलय है क्या। यदि ऐसा है तत्र विद्यमानो अयम प्रपंचो देहादि लक्षण आध्यात्मिक बाह्यश्च प्रतिव्यादि लक्षण प्रविलापितव्येति उच्चेतो, ये तुम कहते हो पहला पक्ष को लेकर के, जैसा हमने अग्नि के द्वारा जो है घी को पिघला करके मिटा दिया, उसको ठोस पर खत्म हो गया, उसी प्रकार तुम कहोगे सारा प्रपंच जो ठोस पना दिख रहा है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाशात्मक जगत को, ये शरीर जो दिख रहा है ठोस पना, इसको मैं नष्ट कर दूंगा, कहते नहीं हो सकता, कोई माया का लाल नहीं पूरा संसार को मिटा के वापस परमाणु में ले जाए, है ना,
एक थोड़ा सा दवाइयां होती है उसको कूट के कूटते हालत यूं खराब होता है चूर्ण बनाने में, तो प्रपंच का भ्रम ले करेगा है? सारे पहाड़ को चूर्ण बना डालेगा क्या? क्या क्या करोगे? अरे सारा संसार जो है पंचभूतात्व संसार का प्रवलय करने वाला कोई पुरुष पैदा ही नहीं हुआ। तथा तद विद्यमान वयम प्रपंच है, जो विद्यमान है प्रपंच। कैसा प्रपंच? देह से आरंभ करके देहादि लक्षण आध्यात्मिक और बाहर में क्या है पृथ्वी आदि लक्षण बाह्यश्च। इस सारे को मिटाने की बात तुम कह रहे हो, द्वैत प्रपंच को मिटाने का मतलब प्रबलापितव्य उचित। सब पुरुष मात्र न शक्य, किसी भी आदमी क्या सारी दुनिया के मनुष्य इकट्ठा हो जाए और सब मिलके एक ही काम करने को चल पड़े बस संसार और संसार को मिटा देंगे, नहीं कर सकता। वो अपने से भिन्न को मिटाते रहेगा, अपने को मिटाने की जहां बात आई कि नहीं रुक जाएगा तो शरीर तो मिलेगा ही रहेगा। चल बाहर प्रपंच तुम नष्ट करते रहो जाओ, लेकिन अपना शरीर को तो कोई नष्ट नहीं करना चाहता, तो कोई कर ही नहीं सकता ना बाहर का ना अध्यात्म का, कोई चीज को नष्ट नहीं कर सकता। स पुरुष मात्र न अशक्य प्रबलापितमिति तत् प्रलय प्रबलय उपदेशो अशक्य विषय वस्यात्। इस द्वैत प्रपंच के प्रबलय का जो आपका उपदेश है वो व्यर्थ ही हो जाएगा, क्योंकि उसको कोई अनुष्ठान कर ही नहीं सकता। ऐसे अनुष्ठान की क्या फायदा है बोलने का? अशक्य विषय वस्यात्। एकेन च आदि मुक्तेन, और दूसरी बात, कभी कोई मुक्त तो हुआ होगा तुम्हारे मत के हिसाब से? क्या आज तो कोई मुक्त ही नहीं हुआ? यदि कभी कोई हुआ होगा जिसने सारा प्रपंच को प्रबलय कर दिया होगा, फिर हमारे लिए तुम्हारे लिए प्रपंच कहां से आ गया? कहां से आ गया? फिर सारा प्रपंच का प्रबलय कर दिया, भूत भौतिक सृष्टि को नष्ट कर डाला, तब मुक्त हुआ होगा। और जब उसने मुक्त होते सारे को नष्ट करके मुक्त हुआ था, तो हमारे लिए तुम्हारे लिए दूसरा प्रपंच कहां से खड़ा हो गया? ये कहां से आ गया? एकेन आदि मुक्तेन प्रतिव्याधि प्रबलय कृता तरही इदानीम प्रतिव्याधि शून्यम जगत भविष्यत। फिर तो इस समय प्रतिव्याधि शून्य हो जाना चाहिए इस जगत को, हमारे तुम्हारे लिए तो कहां से आ जाएगा ये? अतः इसे मुख्य पक्ष आओ, अविद्या से ध्वस्त करना ही मुख्य होता है। अविद्या ध्यस्तो ब्रह्मणी एकस्मिन अयम प्रपंच विद्या प्रलाप्यति ब्रूयात। इसे मजबूरी में होकर आपको मानना पड़ेगा इस बात को, अविद्या के द्वारा ध्यस्त था एक में अद्वितीय ब्रह्म में यह समस्त प्रपंच, उसको विद्या के द्वारा प्रलय करने का यह मुख्य अर्थ लेना चाहिए। ततो ब्रह्मैव अविद्या ध्यस्त प्रपंच प्रत्याख्यान आवेदितव्यम। इसीलिए मुख्य इसलिए ब्रह्म वाक्यों का लक्ष्य क्या हुआ? अविद्या के अध्यस्त जो प्रपंच उसके प्रत्याख्यान के द्वारा ब्रह्मैव आवेदितव्यम, ब्रह्म ही जानने योग्य वस्तु। वो विधि का विषय नहीं हो सकता, सिद्ध वस्तु कभी विधि का विषय नहीं हो सकता, साध्यमान वस्तु ही सदा विधि का विषय होता है। लौट के से निषेध सिद्ध हो गया, इन योग या ब्रह्म वाक्यों में नहीं है। एकमेव अद्वितीय ब्रह्म तत्सत्यम सदात्मा तत्त्वमसीति तस्मिन् आवेदिते विद्या स्वयमेव उत्पद्यते। और वहां जैसे आ गया ना वो जो क्रम मुख्य सिद्धांत पक्ष क्रम है ना, तस्मिन् आवेदिते, जैसे अपने ब्रह्म आवेदित हो जाए तब क्या होता है? विद्या स्वयमेव उत्पद्यते, विद्या स्वयं ही हो गई, वह उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। विद्या स्वयमेव उत्पद्यते, विद्या स्वयं ही उत्पन्न हो जाए यदा ब्रह्म आवेदिते। जैसे ब्रह्म का अनुभूति हुई, साक्षात्कार हुई, तो आत्मविद्या स्वतः ही, उसे कुछ करना नहीं। फिर साक्षात्कार हुआ उस वस्तु का ऐसा भान भी विलक्षण हो जाता है जिसके कारण से वस्तु का अलग से विद्या की जरूरत नहीं, पहले जरूरत था। यदि पहले वो होता नहीं तो सामने ब्रह्म रहे तो भी फायदा नहीं। यदि तुलसीदास ने कहा है नहीं कि नहीं, तुलसीदास ने क्या कहा था? गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लगाओगे पैर? पहले प्रणाम किसको करोगे? गुरु को ना, जिसने पहले पहचान करा ये भगवान है, नहीं तो भगवान सामने भी खड़ा रहेगा, तुम कौन है पूछोगे? हाँ जी आया तुम, गेट आउट, हमारे आश्रम में जगह नहीं, बेचारे भगवान को बाहर जाना पड़ेगा। सगुण रूप में आ जाए आप तो यही कहोगे हमारे यहां जगह नहीं है, जाओ हमारा भरा हुआ फुल, जैसे उसने नहीं किया था पुंडरीक ने। है नहीं, अब क्यों आया? हमारे पिताजी की निंद्रा खराब कर दिया, हिंट फेंक दिया, खड़े रहो वहां पर वेटिंग लिस्ट में डाल दिया भगवान को।
बेचारे विट्ठल भगवान खड़े हो गए आश्चर्य होकर देखते रह गए कि ज्ञान नहीं ना उसको। वैसे भगवान का ज्ञान होता फिर देखता तो समझता ही भगवान है। जिसके लिए इतना भटक रहे तीर्थ यात्रा कर रहे वो स्वयं आ गया है तो तुरंत कहता जग जाओ आप भी कल्याण हो गया हमारा भी कल्याण हो गया आपकी वजह से। लेकिन बस पहले ज्ञान नहीं था विवेका भाव। इसे पहले आपको परोक्ष ज्ञान जरूरी है। जब परोक्ष ज्ञान यदि है फिर उस परोक्ष ज्ञान के आधार पर आप वस्तु का जैसे अनुभव करेंगे वह ज्ञान भी अपरोक्ष हो जाता है। जैसे ज्ञान अपरोक्ष हो गया तत्संबंधी जो विद्यार्थी नष्ट। इसलिए कहते हैं तस्मिन मैंने ब्रह्मणि आवेदिते सति उस ब्रह्म तत्व का जैसे आपने अनुभव कर लिया विद्या स्वयमेव उत्पद्यते और तयाच अविद्या बाध्यते उसके अंदर अविद्या का प्रबल हो जाएगा। ततश्च अविद्या ध्वस्त सकलोयम नाम रूप प्रपंच ध्वस्तेव। जैसे ही वह अविद्या ध्वस्त हो जाएगी ये संपूर्ण नाम रूपा तो जो प्रपंच है ना वह स्वप्न प्रपंच वत प्रविलीयते स्वप्न प्रपंच के समान विलय हो जाएगा। अनावेदिते तो ब्रह्मणि ब्रह्म विज्ञान गुरु प्रपंच प्रलयंच यदि शतकृत्वोप्युक्त है न ब्रह्म विज्ञान प्रपंच प्रलयो वा जायत। देखो जो कहते ना अप्रोक्षानुभूति की जरूरत नहीं है उनके लिए ठोस जवाब यहां भी आ गया। सांप कहते जितने भी रट लो तोता जैसे रह जाओगे कुछ नहीं होने वाला रटने से। अनुभव इंपॉर्टेंट मुख्य आवश्यक है। अनाविदित अनावेदित तु ब्रह्मणि जब तक ब्रह्म की आवेदन नहीं बने अनुभूति नहीं हुई है तब तक कहते रहो तुम ब्रह्म विज्ञान करो पढ़ो उपनिषद पढ़ लो रट लो और कहो प्रपंच प्रलय कर डालो इसके द्वारा तो कुछ नहीं होने वाला। ये शतकृत्वोप्युक्त सैकड़ों बार कह लो तुम तो वे न ब्रह्म विज्ञानम जाए था न वह प्रपंच विलय हो जाए था न तो ब्रह्म विज्ञान होगा उसको न प्रपंच का विलय ही होगा उसको। ननु आवेदिते ब्रह्मणि तद विज्ञान विषय प्रपंच प्रविलय विषयो वा नियोग स्यात्। पूर्व पक्षी कहता है आवेदिते ब्रह्मणि ब्रह्म के यदि आवेदन करने पर उसके बाद हैं वो नियोग हो जाए बाद में नियोग मान लो अरे बाद में नियोग की जरूरत क्या। जब जान ही लिए जिसके चक्कर में पड़े रहे वो मिल ही गया है फिर बाद में विधि क्या करेगी वहां हैं। वही कहते पूर्व पक्ष कह रहे आवेदिते ब्रह्मणि तद विज्ञान विषय नियोगो स्यात् प्रपंच प्रविलय प्रविलय शब्द नीचे छपा है उन्होंने ऊपर नहीं है प्रपंच प्रविलय विषय वा नियोग स्यात् किसी किसी मूल में ही है और कहीं मूल में नहीं तो नीचे छाप दिया अलग से पन्ने के एकदम नीचे में है प्रविलय शब्द प्रपंच प्रविलय विषय वा नियोग स्यात् अविलय प्र नहीं है कोई बात नहीं क्या फर्क पड़ने वाला प्रविलगो विलगो एक ही बात कोई खास विषय वा नियोग स्यात् इति न तो सिद्धांत के मत कहो ये बात निष्प्रपंच ब्रह्मात्मत्व आवेदने नैव उभय सिद्धे है। निष्प्रपंच ब्रह्म का आत्मत्वेन जैसा आवेदन हुआ अहम ब्रह्मास्मि जैसा अनुभव हो गया वो दोनों ही बात स्वतः सिद्ध हो गई विद्या भी सिद्ध हो गया प्रपंच का विलय भी स्वतः ही हो गया। यम रज्जु बस ज्ञान होते ही बराबर रज्जु विषय विज्ञान हो गया और सर्व विषय जो अज्ञान था नष्ट हो जाता है। अलग कुछ नहीं करना पड़ेगा फिर वहां पर यम रज्जु करके अधिष्ठान अनुभव होने के बाद अनुभूति के बाद में यम रज्जु से ज्ञान करना जरूरी है। जब रज्जु का अनुभूति हो जाए फिर रज्जु का ज्ञान प्रत्येक अपेक्षित है क्या और सर्व का विलय करने के लिए अपेक्षित उसकी विधि करनी जरूरी है न सर्व विलय के लिए विधि की अपेक्षा है न रज्जु विज्ञान के लिए भी हमें अपेक्षा नहीं। एक बार रज्जु की अनुभूति हो गया यमेव रज्जु यम रज्जु रेव निश्चय हो गया बात खत्म हो गई अहम ब्रह्म एव निश्चय हो गया तो बात खत्म हो गई। हाँ जब तक अहम एव ब्रह्म बोलते रहोगे तब तक जरूरत है अहम एव ब्रह्म गलत है ना कि सही है अहम एव ब्रह्म गड़बड़ है वो कभी अनुभव नहीं करना बार बार हम संकेत करते हैं बहुत लोगों में यही है अहम ब्रह्मास्मि अहम एव ब्रह्मास्मि वो एव को बीच में डाल के गड़बड़ कर दी एव कार्य बहुत महत्वपूर्ण है
कहाँ रखोगे ये, उस पर सब खेल होता है। हम ब्रह्म अस्मि एव वो ठीक है, हम ब्रह्म एव अस्मि ये भी ठीक है, ना हम एव ब्रह्मास्मि वो बहुत गड़बड़ है। तो इसीलिए जब वो अनुभव हो जाए कत बाकी दोनों स्वतः हो जाते हैं, ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति और अविद्या का नाश स्वतः ही होता है। वही कहते हैं निष्प्रपंच ब्रह्म को आत्मत्व जब आवेदन कर लिया आपने तो उसी के द्वारा तो आवेदन ही नहीं वह उभय सिद्धे है। वही दृष्टांत दे रहे हैं रज स्वर्व प्रकाशन ही नहीं वही तत्सर्व विज्ञानम अविद्या अविद्याध्यस्त सर्पाद प्रपंच प्रवलेश्च भवती। जैसे रज्जु के स्वर्प का प्रकाशन हो गया, अनुभूति हो गई, तो रज्जु स्वर्प विषय विज्ञान और अविद्या से प्रत्युपस्थापित जो सर्पादि प्रपंच है उसका वेलय स्वतः हो जाता है यथा।